Assalamualaikum everyone, welcome back my channel, my parrot wife and me. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है समर फूड लिस्ट के ऊपर कि गर्मियों में हम अपने पैरट को क्या खिलाए। समर में, गर्मियों में हमें ऐसा फूड देना चाहिए जिसकी वजह से आपका पैरट ऑलवेज हेल्दी रहे, क्योंकि आपको पता होगा कि विंटर के मुकाबले पैरट की डेथ समर में ज़्यादा होती है, गर्मियों में ज़्यादा होती है। और इस बार गर्मी तो हर बार से भी ज़्यादा है, लिमिट क्रॉस हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है इस बार। 40 to 42 डिग्री क्रॉस कर जाती है इस बार गर्मी। इसीलिए हमें अपने तोते के खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। बस वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करें, ताकि ऐसी नई और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर गर्मियों में हम अपने पैरट की डाइट को प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हैं तो इसका नतीजा क्या होगा। आपके पास अगर पैरट है, बर्ड है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि समर सीज़न में पैरट या बर्ड को सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होती है। गर्मियों के टाइम पैरट को सबसे ज़्यादा रैशेस की प्रॉब्लम होती है, और रैशेस होने की वजह से पैरट को बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है, और इसी वजह से ये खुद के फैदर को खुजला खुजला के नोच कर गिराना चालू कर देते हैं। नेक्स्ट, गर्मियों में पैरट को हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन होने का भी चांस होता है। गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर बर्ड या पैरट हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन के रीज़न की वजह से ही मरते हैं। तो आपको एक अच्छा डाइट फॉलो करके और थोड़ी सी केयर करके आप अपने पैरट को गर्मियों के मौसम में मरने से बचा सकते हैं। आपको मैं बताऊँगी कि पैरट को कब और क्या फूड देना चाहिए गर्मी में, तो यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए, मॉर्निंग में मैं अपने पैरट को मिर्च देती हूँ, हरी मिर्च या सूखी हुई लाल मिर्च। मिर्च देने से पैरट का टंग थिन होता है, जिससे उनकी साउंड क्लियर और साफ निकलती है। ऑल ओवर मिर्च जो होती है वो पैरट की हेल्थ के लिए अच्छी होती है। अपने पैरट को देती हूँ सोख किया हुआ काला चना और हरा धनिया के पत्ते। हरे धनिया के पत्ते आपको डेली नहीं देने हैं, हफ्ते में 1 to 2 देने हैं, या फिर आपको कभी कभार उनको कड़ी पत्ते, कड़ी लीव्स देनी है, या उसकी डंडी देनी है, उसकी लकड़ी देनी है, या उसके पत्ते देने हैं। इस तरह आपको चेंज करके देना है। काला चना देने से पैरट का स्टमक क्लियर रहता है और चने में भरपूर प्रोटीन भी होता है। धनिया के पत्ते खाने से पैरट का डाइजेशन ठीक रहता है। मैं कभी उन्हें काला चना देती हूँ तो कभी हरा मूंग देती हूँ, सोख किया हुआ, कभी स्प्रॉट्स दे देती हूँ। इस तरह मैं बदल बदल के मैं देती रहती हूँ। नेक्स्ट, उसके बाद दोपहर के टाइम पर मैं अपने पैरट को देती हूँ ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे कि कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्टमेलन। इस तरह आप उनको फ्रूट दीजिए जिससे उनकी बॉडी हाइड्रेट रहे। फिर शाम के टाइम पे आप उनको दे सकते हो स्वीट कॉर्न, फिर कुछ आप ड्राई फ्रूट्स में उनको दे सकते हो या नट्स दे सकते हो, बट उसकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। अभी मैंगो का सीज़न है तो आप उनको मैंगो भी दीजिए, क्योंकि पैरट को मैंगो भी बहुत पसंद होता है। उसके बाद रात के टाइम पे आप उनको थोड़े से सीड्स दे सकते हो, जैसे सनफ्लावर सीड्स, मिक्स सीड्स। वो गर्म होते हैं इसलिए गर्मी में आप उनको बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में देना चाहिए, ज़्यादा नहीं, जिससे रात में वो भूखे नहीं रहे, इस हिसाब से। और सीड्स भी आपको डेली बदल बदल के देना चाहिए, जैसे आपने आज वाइट सीड्स दी, फिर मिक्स सीड्स दे, इस तरीके से। और इस तरह से पैरट को भी भरपूर पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा बदल बदल के देने की वजह से। वीडियो फिनिश करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी और रिक्वेस्ट करूंगी कि गर्मियों के टाइम पे पैरट के केज में ऑलवेज एक फ्रेश वाटर का बाउल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक फ्रेश वाटर बाउल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद वो आपका पैरट पानी पिए ना पिए, आपको एक पानी का प्याला रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो पानी आपको बदल बदल के देना है। दिन में 3 to 4 वो पानी आप चेंज करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने पैरट का ख्याल रखिए, उनकी केयर कीजिए, उन्हें प्यार कीजिए, बिकॉज वो बहुत ही स्वीट होते हैं, हाँ ना गुड़िया। सो बाय बाय एवरीवन।